गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है तीनों लोकों की। बात चल रही है स्वर्ग नरक की। बात चल रही है संगति की, प्रभाव की। सानिध्य कितनी प्रभावशाली होता है इस बात से कोई अछूता होगा। जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कूलर हवा को ठंडा करता है, फ्रिज हवा को जमा देता है, हीटर गर्म कर देता है तो पंप पानी को खींच देता है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु उनके मूल में अगर बिजली का, विद्युत का, शक्ति का संचार ना हो तो उनकी विशेषता धरी रह जाती है। है क्या? विशेषताएं तो आपकी भी हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु उनके मूल में क्या ईश्वरीय शक्ति भी, इसका भी संचरण हो रहा है? जिस तरह से बिजली के उपकरण बिजली की ना सप्लाई ना होने के कारण निष्क्रिय पड़े रहते हैं, कुछ उसी तरह की अवस्था हमारी भी पैदा हो गई है। गुण तो हैं हमारे अंदर, परंतु शक्ति ना मिलने के कारण निष्क्रिय हैं। और गुणों की निष्क्रियता ही विकार है, बुराई है, पाप है। गुण काम करते, धूप काम करती तो अंधेरा नहीं रहता, नमी नहीं रहती। पर बात यह है कि जो नेचुरल स्रोत था, जो प्राकृतिक स्रोत था शक्ति का, वो सूखा हुआ है। मैंने सानिध्य की बात अभी आपसे की थी। अच्छे के संपर्क में आकर के बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है। चंदन के समीप उगे हुए झाड़ झंकाड़ महकने लग जाते हैं। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके सब तरह की कल्पनाओं को पूरा किया जा सकता है। ये उदाहरण है। उनकी शक्ति का संचार आपकी शक्ति के अंदर हुआ इस दुनिया में। संत महापुरुष, ऋषि, तपस्वी, महामानव, सिद्ध पुरुष हुए हैं, परंतु हमारी तरह अपनी शक्ति तक सीमित नहीं रहे। भगवान की शक्ति के साथ जुड़े और भगवान की शक्ति का
संचरण उनकी चेतना में हुआ, तो उनकी स्थिति ठीक इसी तरह से बदल गई जैसे लोहा बदल करके सोना बन गया। संगति का यही प्रभाव होता है। स्वाति की बूंदों के समीप आकर के सीपी मोती उगलने लग जाती है। पत्नी और पति के एक मन होने की उक्ति इसी आधार पर सार्थक होती है कि वो परस्पर दोनों अधिक से अधिक घनिष्ठता को बढ़ाते हुए चले जाएं, या कहा जाए आपस में घुलते और मिलते चले जाएं। माता का सबसे अधिक प्रभाव अभी पिछले दिनों बताया है, औरत क्या है और पुरुष क्या है। माता का सबसे अधिक प्रभाव उसकी संतान पर पड़ता है। प्रधान रूप से इस बात को आपने समाज में क्रियान्वित होते हुए भी देखा होगा। अपने बच्चे को मां ले तो बच्चा हर बात में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और उसी बच्चे को कोई दूसरी स्त्री ले तो बच्चा उतना अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। क्या बच्चे ने मां के लिए अपने हृदय को खोल करके रखा है और मां भी अपने हृदय की शक्ति को उसके अंदर डालती है। दूसरी औरत उस मां का काम नहीं कर सकती। जो मां अपने बच्चे के ऊपर काम करती है वो शक्ति दूसरी मां नहीं दे सकती। वहां कहीं ना कहीं परायापन रह जाता है और उस परायेपन को बच्चा महसूस कर जाता है, फील कर जाता है। इसलिए इस बात को आपने प्रैक्टिकल रूप में होते हुए देखा होगा। सत्संग की अपनी महिमा है तो कुसंग की अपनी महिमा है। कोयले की दलाली में हाथ काले कहावत है, सांप के पेट में दूध पहुंचाया जाए तो जहर ही बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यहां तक भी कहा है, जुड़वा बच्चों के अंदर बहुत अधिक प्यार पाया जाता है क्योंकि एक से वातावरण में दोनों रहे हैं, एकता घनिष्ठता के चमत्कार होते हैं। स्वार्थों और दुष्टों का व्यक्तित्व एक से होने के बावजूद भी वो अपने मतलब से मतलब की बात करते हैं, स्वार्थ स्वार्थी की बात करता है। दो व्यक्ति स्वार्थी हो तो कौन किसकी बात को हल करे। दोनों को जानकारी है ये मेरे से बड़ा स्वार्थी, मैं इससे बड़ा स्वार्थी, तो कौन किसकी बात को हल करे। सब अपने अपने तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं।
परंतु मैं ये कहूंगा जब तक उस शक्ति का संचरण नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। निकटतम घनिष्ठता का अपना एक प्रभाव होता है, निकटतम घनिष्ठता का अपना एक प्रभाव होता है। आग के निकट बैठने से गर्मी और बर्फ के निकट बैठने से ठंडक मिलती है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। सिर्फ अनुभव से ही इस चमत्कार को देखा जा सकता है। ये सानिध्य का प्रभाव है। जितनी घनिष्ठता जिसकी जिसके साथ होगी उतना ही संतुलन उसका उसके साथ बनेगा। मात्र शरीर संचालन तक मस्तिष्क को अगर रखा जाए तो वो शरीर के स्वार्थों तक सीमित रहेगा, इससे ज्यादा की जानकारी उसको नहीं है। अगर जागरूकता, मैंने कल भी आपको समझाया था, चेतन मस्तिष्क और शरीर दोनों साथ मिल जाएं तो एक एक मिलकर के दो नहीं 11 हो जाते हैं, यानी कि शरीर की ताकत मन की ताकत से 11 गुनी बढ़ जाती है। मस्तिष्क की या चेतना को जागरूक करने के लिए जिंदगी में उतार चढ़ाव परिस्थितियों के अनुसार आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो मन की स्थिति को प्रभावित करता है। एक आदमी सुखी सुख में रह जाए वो भी ठीक नहीं है, और एक आदमी पर दुख के पहाड़ी टूटते रहे तो वो भी ठीक नहीं है। उतार चढ़ाव जब आते रहते हैं तो वो व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव से हर्ष विषाद ज्वार भाटे की तरह से जीवन में पैदा होते रहते हैं, आंदोलित करते रहते हैं वो हमें अंदर से। उसमें उथल पुथल भरी हुई मानसिक ऊष्मा की वृद्धि होती है। इस ऊष्मा को आत्मसात करने पर अचेतन मस्तिष्क की दिव्य जो क्षमताएं हैं उन पर आघात होता है। एक बात और कहूंगा, जिसमें हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, वो शरीफ गाय की तरह से सर झुका करके रखता है। कसाई मार या काट, जो तुझे करना है कर, परंतु जिसमें हिम्मत होती है वो परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने उत्साह को जगाता है और आई हुई परिस्थिति का मुकाबला करता है, और मुकाबला करने से जो उसकी दैवी सत्ता है, जो अवचेतन की सत्ता है, वो जगती है, जिसका लाभ चेतन को मिलता है। अगर एक सी परिस्थिति है या व्यक्ति एक सी परिस्थिति में रहना चाहता है
उसको ठीक ऐसा कह सकते हैं कि एक आदमी ने अपने बच्चे को विरासत में ढेर सारी पूंजी दी है और उसको छूट दे दिए, तुझे कुछ नहीं करना, बैठ करके खा ले। तो ऐसा बच्चा कोई प्रयास नहीं करेगा, बस जिंदगी का रोना रोता रहेगा और खाता रहेगा, रोना रोता रहेगा और खाता रहेगा, कोई प्रयास नहीं करेगा। दूसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो प्रयास तो करते हैं पर वो दिखावे के लिए करते हैं। मैं एक प्रोग्राम के लिए एक जगह पर गया, कार्यकर्ताओं ने बड़ा सम्मान किया, फूलमालाएं पहनाई। अक्सर मैं फूलमाला पहनाने के बाद तुरंत उतार देता हूं, परंतु उस दिन मैंने नहीं उतारी। कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए मैंने कहा, जो फूलमाला तुमने पहनाई है, मेरे शरीर की गर्मी इस पर जाएगी और इस बेचारे फूल की जिंदगी थोड़ी सी देर में ही मुरझा जाएगी। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, थोड़ी सी देर में ही ये मुरझा जाएगा और सूखने लग जाएगा। काश किसी कपड़े में लपेट करके, पानी छिड़क करके छाया में रख दिया होता तो यह ज्यादा देर चल जाता। अब मैं फिर से कह रहा हूं, सम्मान फूलों मिठाइयों से नहीं किया जाता है, सम्मान भावना से किया जाता है। और याद रखना, सम्मान में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, अंतरात्मा पहचानती है, अवचेतन पहचानता है। या दूसरे शब्दों में कहूं, जो उस अंतर चेतना की भूख को पूरा करता है वही सम्मान है। शरीर की शोभा बढ़ा लेना, मन की भूख की इच्छाओं को पूरा कर लेना सम्मान नहीं है, वो दिखावा है, सम्मान का दिखावा है। दोबारा से बोलूंगा, अगर मेरी बात को ठीक से समझे तो दोबारा बोलूंगा, जितने रिश्ते नजदीक के होते चले जाते हैं उतने ही कोमल हो जाते हैं। माँ बाप में और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, शारीरिक स्तर पर कोई अंतर नहीं है। अगर उनके अंदर ताकत है तो भावना की ताकत है। और मैंने अभी कहा, एक बच्चे को उसकी मां गोद में ले और एक उसी बच्चे को उसकी बुआ, उसकी बहन, उसकी कोई भी नजदीक का रिश्ता गोद में ले, परंतु जो मां की ममता है, जिसको बच्चा ग्रहण कर रहा है, उसको दूसरे से ग्रहण नहीं करेगा।
मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं कहनी चाहिए, एक बात और कहना भी चाह रहा हूं पर कहना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने मां बाप पर जवाब देने लग जाए, विरोध करने लग जाए और यहां तक के लाठी उठाने लग जाए, अंदर से सोचो। मैं यहां तक कह रहा हूं कि बच्चा इतना आतंक पैदा कर दे कि मां बाप भी उससे डरने लग जाए। जब मैं नौकरी में था तो मेरे साथ एक मेरा साथी था, उसने मुझे बताया कि हम पति पत्नी रात को ऊपर की मंजिल में सोते हैं और ताला लगा करके हर वक्त रखते हैं, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरा विरोधी हो गया है। वो इस बात से डरते थे कहीं ये रात को हमको मार ना दे। कारण, मकान नाम करो, मुझे धन संपत्ति दो, तुमने मुझे पैदा किया है, मुझे ये दीजिए। अगर मां बाप के उस दुलार को, प्रेम को, अपनी आत्मीयता को, जो मैंने बताया मां ममता की आत्मीयता की मूर्ति होती है, सद्भावना की, सेवा की मूर्ति होती है, पिता प्रखरता, बौद्धिकता, साहसिकता, निर्भयता इसका प्रतीक होता है, अगर दोनों के गुण बच्चे पर बरस रहे हैं तो ऐसा बच्चा उसी रस को पी करके, मैंने पारस की बात अभी आपसे कही, बच्चा भी उस तरह के संस्कारों को, उस रस को पी करके उस तरह के संस्कारों को अपने अंदर जागृत करेगा कि नहीं करेगा। अपने जीवन के कर्मों से जूझने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। मैंने अभी कहा आपसे, पति पत्नी में जितनी घनिष्ठता होती है उतना ही एकाकार और विलय होता हुआ चला जाता है। इससे आप एक चीज को लगा सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, जो संगत, संगतीकरण पति पत्नी के रूप में, बाप बेटे के रूप में, मां पिता के रूप में ही नहीं कर सके, वो भगवान से क्या संगति करेंगे। सिस्टम तो भगवान का लगाया हुआ हर किसी के अंदर है, सिस्टम तो तत्पर है काम करने के लिए, परंतु शक्ति कहां से आए। मां के जैसी कोमलता, पिता के जैसी कठोरता, साहसिकता, कठोरता से मतलब पत्थर मत कह देना, वीरता, वो कहां से आए। दिव्यता पर आघात पहुंचता है तो वो क्षीण होती है, वो क्षीण होती है। मैंने गायत्री मंत्र के चौथे चरण के बारे में कल आपसे समझाया था, मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर को आप जिस रूप में मानते हैं एक बात कहना चाहूंगा,
देवता और कुछ नहीं होते हैं। सूरज के प्रकाश में जिस तरह से चंद्रमा और तारे चमकते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रभाव से अपने गुण जिसके अंदर चमकने और क्रियाशील हो जाते हैं, उसी का नाम देवता है। जिस तरह से रात्रि में चंद्रमा और तारे अपने काम को करने लग जाते हैं, सूरज के प्रभाव से वो चमकते हैं, ऐसे ही जिसका जीवन, जिसके गुण ईश्वर के प्रभाव से चमकने लग जाते हैं, वो देवता की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि कर्म उसके प्रभावित करने लग जाए तो उसमें देवत्व तो जग जाएगा। ऐसा व्यक्ति आज की छाई हुई विभीषिका में, अज्ञानता की रात्रि में, चमकते हुए चंद्रमा की तरह से अपने तेज को फैला करके, इसकी काली मां को मिटा करके, इसको चांदनी की, सफेद चांदी की तरह से ध्वल कर देगा। ये किसी को सत्संग और सद्ज्ञान कहते हैं। जो चमका दे, महका दे, जीवन को महका दे, उसी को सद्ज्ञान कहते हैं। मानसिक संतुलन पर बल दिया जाए, इसी को योग का पहला चरण देते हैं। मानसिक संतुलन को बेटा, जब गुण क्रियाशील होते हैं रीता, तो वो जीवन में एक अदीब संतुष्टि को लेकर के आते हैं और सामने वाला उससे प्रभावित होता है, प्रकाशित होता है। बेटा मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। गुड़ को अपने स्वाद का पता है, मेरा स्वाद कैसा है? नमक को अपने स्वाद का पता है, मेरा स्वाद कैसा है? अपने स्वरूप का किसी को पता नहीं है, क्योंकि अंधेरे में पड़ा है। मीठा कितना मीठा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नमकीन कितना नमकीन है, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर इसका अंदाजा लगाना है तो केवल एक चीज की भूख पैदा हो जाए। मैं सबको लाड करके कह रहा हूं, शुभम सुन ले बेटा, तू लिखता है बार बार, सुन ले। मैं क्या करूं? लोभ मोह काम क्रोध भोग ईर्ष्या द्वेष, इनकी जगह पर गुणों को जागृत कर लो। तुम्हारा जीवन चमकने लग जाएगा, जीवन चमकने लग जाएगा। आज जिस नरक में, अंधकार में, गंदगी में, कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसमें से निकल करके बाहर आएगा। सच बताओ, ये बुराइयां जो अभी बताई गई, ये हमारी प्राण चेतना पर अपने प्रभाव को डाल करके हमको निष्क्रिय करती है कि नहीं करती है? आत्मा का प्रभाव, परमात्मा रूपी सूर्य जब आत्मा रूपी चंद्रमा पर आकर के पड़ेगा तो अंदर के गुण जागृत हो जाएंगे, चमकने लग जाएंगे।
चंद्रमा में प्रकाश तो है पर शीतलता भी है, सूरज की जड़ से उष्णता नहीं है, ममता का मातृता का प्रभाव पड़ता है, मातृत्व को प्रभावित करता है। हमें उससे कहीं ऊपर उभरना है, कहीं ऊंचा जाना है। मैंने अभी कहा है मां और पिता, पिता सम्मान है, पिता सम्मान है और माता करुणा है। अगर पुत्र का प्रभाव पिता पर पड़ करके उसके सम्मान को बढ़ाएगा तो पिता वो सम्मान बच्चे के ऊपर पड़ करके बच्चा बढ़ता चला जाएगा। मां की ममता, मां की दया, मां की करुणा और पिता का सम्मान तेज अगर बच्चे पर पड़ेगा तो सोच करके देखिए उसका कितना विकास होगा। मां बाप के माध्यम से, अपनों के माध्यम से जो प्रकट होता है वो भगवान ही तो है। पूरी दुनिया में और मां बाप में, केवल मां और बाप कह रहा हूं, और पूरी दुनिया के पुरुष और पूरी दुनिया की स्त्रियां, बच्चे को वो नहीं दे सकती जो मां बाप दे सकता है। मैं धन दौलत की बात नहीं कह रहा। मैंने अभी कहा एक क्षेत्र में मैं प्रोग्राम देने गया और उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, परंतु मैंने उनको ये समझाया, अरे सम्मान तो उसको कहते हैं मेरी आत्मा आपको देख करके गदगद हो जाती, पैसे की जरूरत नहीं थी, खर्च करने की जरूरत नहीं थी, आत्म सम्मान की आवश्यकता थी। आत्मा पहचानती है, आत्मा इस बात को पहचानती है कि कितना दिखावा है और कितनी यथार्थता है, दोनों को जानती है। बोलो, योग अगर आप करना चाहते हैं, पति पत्नी का योग आपसे कहा, जहां घुल मिलकर के एक हो जाएं, जीव और परमात्मा का मिलन कहा, जहां दोनों मिलकर के एक हो जाएं, बूंद और सागर का मिलन की तरह से दोनों में एकता और घनिष्ठता पैदा हो जाए। यहां मैं फिर से कहूंगा, गुण ही गुण में मिलता है, विरोधी गुण में नहीं मिलता है। जब गुण तुम्हारे परमात्मा के, आत्मा के गुण, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अवचेतन जो लिए हुए है वो आत्मीय गुणों को अपने अंदर छुपाए हुए है, उन गुणों को हमको जागृत करना पड़ेगा। सोच करके देखो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। गायत्री मंत्र का जप करते हो तो मंत्र को अपनी चेतना में घुसाना पड़ेगा। जो रास्ते अवरुद्ध हुए पड़े हैं जब जप करते हो तो भटकाता है, विचार कहां घुसता है, रास्ते बंद पड़े हैं, उन रास्तों को खोलना होगा। किससे भरे पड़े हैं? कीचड़ से। जब जप करते हो तो देखो कितने कीचड़ पैदा होता है, लो रास्ते में चलते हो तो रुकावट इतनी है कि आगे बढ़ने ही नहीं देता,
अगर आगे बढ़ना है तो अपने मार्ग को, चेतना के मार्ग को साफ करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी की में आते हैं, दुख सुख हर किसी की में आते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हर किसी के जीवन में हैं, परंतु वो किसी को दुख देने के लिए नहीं, परंतु अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है। कैसे हम परिस्थितियों में संभाव से रह सकें, व्यक्ति समाज और संस्थाओं का ढांचा इसीलिए ही बनाया जाता है, उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएं प्रिय अप्रिय संवेदना पैदा करती हैं। वो संवेदना हमारे अंदर पैदा करती हैं। प्रकृति का क्रम भी मनुष्य में इच्छा अनुकूल नहीं रहता है। अकाल सुकाल ऋतु परिवर्तन जरन मरण रीति नीति ये घटनाक्रम हमें क्षुब्ध और हर्षित करते रहते हैं, उत्तेजित करते रहते हैं। इन स्थितियों में चित्त आंदोलित रहने का अभ्यास योग का आरंभिक चरण है। इसलिए उसमें मस्तिष्क की ऊष्मा में आवश्यक वृद्धि नहीं हो पाती, उत्तेजनाओं में। संतुलित मन है स्थिति में सचेतन मस्तिष्क अपेक्षाकृत कम शक्ति खर्च करता है। संतुलित स्थिति में क्या करूं कैसे करूं क्या करूं कैसे करूं, उद्विग्न हो जाता है, बेचैनी पैदा करता है और ज्यादा शक्ति का भी ह्रास करता है। अधिक काम करने के कारण मस्तिष्क को जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा काम करता है। अचेतन मस्तिष्क में भी क्षीणता और बिखराव नहीं आ पाता। एक बात आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, मानसिक संतुलन ही व्यक्ति का पहला चरण है। चेतन मस्तिष्क की गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोका जाए। मैंने भी आपसे कहा था, 2-3 दिन हो गए, उस दिन मैंने कहा था सचेतन की गति को रोकिए। जब आप जप करते हैं तो सचेतन की गति को रोकिए और अवचेतन की गति को शुरू करिए। सचेतन की गति मैंने बताया, काम क्रोध लोभ मोह भोग इच्छा ये सब उसके अंदर छुपी रहती हैं, उनको रोकिए, ये सचेतन को रोकना है। इससे क्या बढ़ेगा, संतुलन बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। चेतन मस्तिष्क की गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक करके उस संस्थान को क्रियाशील करके जो पैदा होने वाली शक्ति है, विद्युत है, उसको अचेतन क्षेत्र में नियोजित करना होगा। उससे आपकी अतींद्रिय क्षमताएं बढ़ेंगी। इसलिए जो समझाया है आज इतने का चिंतन करें, क्योंकि समय आज का संपन्न हो गया है, कल फिर बताएंगे। ये साधना है, ये भी ध्यान रखना, ये साधना है, और बैठ करके कम से कम 5-10 मिनट ध्यान करना शुरू करेंगे
इस शक्ति का, मैं फिर से कहता हूं, जब कर रहे हैं तो ध्यान है नहीं, ध्यान तो भटक रहा है, तो शक्ति कहां पैदा होगी, वो तो बिखर रही है। संतुलन पैदा करना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब धीरे धीरे मेरा जो उद्देश्य है वो क्रियाशीलता पर, आपको करके देखो, करके देखो, करके देखो, केवल बात बनाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज सब 10 मिनट ध्यान करें, सचेतन की शक्ति को रोक करके अचेतन की शक्ति को जागरण करने की कोशिश करें, और इसी का नाम दिया जाएगा मंथन, मंथन, मंथन। दूध को गर्म करके, जमा करके, बिलो करके घी निकाला जाता है। ऐसे ही सूर्य भगवान के संपर्क से आत्म चेतना का मंथन, सूर्य चेतना से आत्म चेतना का मंथन। बेटा जिसको भी आप इष्ट मानते हो, पवन बेटा, जो आपके लिए आदर्श है, ध्यान सूर्य का करिए। दोबारा से समझिए, तुमने सवाल किया, जवाब दे रहा हूं। ध्यान में जैसे मिठाई आ जाती है, ध्यान में कोई घटना आ जाती है, ऐसे ही घटना के रूप में सूरज को प्रकट करने का प्रयास करें। मैंने अभी कहा है सूर्य शक्ति से आत्म शक्ति का मंथन, आत्म शक्ति का मंथन। मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमारे अंदर जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो सूर्य ही तो है। जब दोनों का मंथन करेंगे तो वो शक्ति हमारे अवचेतन के अंदर प्रवेश होगी। कल गुप्ता जी मेरे से कह रहे थे कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए, शुरुआत करो 10 मिनट से, फिर इसके परिणाम देखना कैसे होंगे। किसी को बताएंगे नहीं कुछ भी बात, आपस में किसी को कोई बात नहीं बताएगा, परिवर्तन की कोई बात किसी को नहीं बताएगा। रेस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कोई नहीं बताएगा। चेतना बिखरने ना पाए, चेतना की शक्ति बढ़ती चली जाए, जिससे पापों को जलाती और मिटाती चली जाए। आग जलाते हैं तो संघर्ष करती है ईंधन के साथ में, और ईंधन बार बार उसको बुझा देता है। आपको बुझने नहीं देना है। मंथन, 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 सूर्य की शक्ति और आत्म शक्ति का मंथन, 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 10 मिनट से शुरू करना है। जिसके जीवन में परिवर्तन आए वो केवल लिख दे, मेरे में परिवर्तन आ रहा है, बस इतना लिख दे। बताने ही नहीं है क्या परिवर्तन आ रहा है, जिससे दूसरे भी प्रभावित हो, एक होड़ लगे, स्पर्धा लगे, मुझको आगे निकलना है। इसलिए 10 मिनट से शुरू करें। आज की बात को विराम दे रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।